सुप्रीम कोर्ट की एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के बाद एससी और एसटी समाज के लोगों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन प्रदेश में इसका असर ना के बराबर दिखा। बात करें फरीदाबाद की तो यहां पर भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ इसके विरोध में एससी एसटी संगठन के लोग जैसे भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोग काफी संख्या में सेक्टर 12 स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे और कानून का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना था कि यह हमारे हक की लड़ाई है, आज जो हमें आरक्षण संविधान के तहत हमारे समाज को दिया गया है उसमें छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका विरोध हमारे सभी समाज के लोग कर रहे हैं। जो सरकार, वर्तमान की सरकार हो या पीछे की सरकार हो, जिन्होंने बार बार इस देश के संविधान को कमजोर करने का काम किया है, आज जो इस देश में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण के तहत भी वर्गीकरण का जो कानून लेकर आए हैं, उस भाईचारे को फिर से बांटने का काम किया है, जिसको बाबा साहब ने संविधान के तहत इस देश के भाईचारे को जोड़ने का काम किया कि 6,645 जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको एक माला में पिरोने का काम किया, ताकि इस देश में उन्नति और तरक्की आए, भाईचारा बने, सबको समानता मिले, सबको न्याय मिले, सबको बंधुत्वता का प्यार मिले। लेकिन इस 78 साल की आजादी में देख सकते हैं आप, भी कहीं ने गरीब बच्चे को मार दिया जाता है, एक डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, कितने जघन्य अपराध है, ये तमाम तरह की घटनाएं आज भी देश में हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि संविधान के तहत कानून को भी कानून का राज कायम नहीं कर पाए, और एक तरफ संविधान से देश मजबूत होता है, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं जिनको संविधान के तहत पढ़ने लिखने का अवसर मिलता है और वो पढ़ लिख कर अपनी उपस्थिति देश में दर्ज कराने का काम करते हैं, शिक्षा के माध्यम से चाहे राजनीति के माध्यम से, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को दर्द है कि गरीब आदमी को कैसे हक मिल रहा है। इन सरकारों को दर्द है, ये वोट तो लेना चाहते हैं गरीब की, लेकिन वोट को वोटर से वोट लेकर राज लेना चाहते हैं, लेकिन गरीब को राज नहीं देना चाहते, गरीब को शिक्षा नहीं देना चाहते, गरीब को यहाँ रोजगार नहीं देना चाहते, गरीब को यहाँ चिकित्सा नहीं देना चाहते, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा रही है और आज इन्होंने फिर संविधान पर कुठाराघात किया है। आज जो प्रोग्राम किया है एक्चुअली क्या है, ये पूरे दलित समाज के अंदर में एक रोष है, आक्रोश है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो फैसला आया हुआ था, इसके अंदर में दलित भाइयों को आपस में बांटने का काम किया है और इसमें क्रिमिनल लेयर का भी प्रावधान कर दिया है। तो ये जो आपको बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार है वो डायरेक्ट ना करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया गया, तो इससे लोग बड़ी आहत पहुंची है। आज जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, इसमें सभी लोग समाज के लोग हैं, एससी एसटी वर्ग, और जिनको बांटा गया था, हम भाई से भाई लड़ाने काम गया था, वो भाई भी काफी तादाद में आए हुए हैं। प्रदर्शनकारी लोगों का साफ कहना है कि हमारे आरक्षण में कोई छेड़छाड़ ना की जाए और अगर ऐसा हुआ तो उनका बड़ा नुकसान होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।